हेलो एवरीवन आज हम पी एल अप्रोप्रियशन अकाउंट के बारे में बात करेंगे व्हाट इज़ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सटेंशन का मतलब होता है उसकी एडवांसमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक हिस्सा है उसके बाद बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है इट इज़ प्रिपेयर टू शो दी अप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन को हिंदी में समायोजन बोलते हैं तो नेट प्रॉफिट या शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि के समायोजन के लिए इसे बनाया जाता है फॉर दी अकाउंटिंग पीरियड फॉर दी अकाउंटिंग पीरियड का मतलब पर्टिकुलरली उस पीरियड के लिए तीन महीने हो सकता है छ महीने हो सकता है एक साल हो सकता है जितनी भी ड्यूरेशन का प्रॉफिट है मोस्टली एक साल के बाद में हम इसको बनाते हैं सो वॉट इज पी एंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पी एंडल अकाउंट क्यों बनाया जाता है टू शो द्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट या नेट नेट लॉस फॉर दी अकाउंटिंग पीरियड ठीक है और ख़ास बात यह है कि ये जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई अ पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म इसे बनाती है नोट कर लो इसको फिर ये पता लगाते हैं कि हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तक पहुँचे कैसे हैं आगे चलें आपको ध्यान होगा इलेवेंथ में हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो उससे हमें क्या मिलता था ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस और जब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आता था उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन और फिर उसके बाद में कैलकुलेशंस करते थे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में हमें क्या मिलता था नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस अब ये जो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता था हमने इलेवंथ में सीखा था कि इस नेट प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट में ले जाते थे पार्ट क्योंकि हमने इलेवंथ में सोल प्रोपराइटर या एकल स्वामित्व के खातों को बनाना सीखा था और वो जो सारा प्रॉफिट था वो एकल स्वामी का ही होता था तो उसी की कैपिटल में हम उसको प्लस कर देते थे बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप फॉर्म हम साझेदारी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस प्रॉफिट में साझेदारों का कितना हिस्सा है या फिर साझेदारों को इसमें से क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए तो जो पी एंड एल अकाउंट का नेट प्रॉफिट हमारा अमाउंट आया है उसी को लेकर आपने देखा होगा हमेशा क्रॉस पोस्टिंग होती है ट्रेडिंग का डेबिट में ग्रॉस प्रॉफिट पी एंड एल के क्रेडिट में पी एंड एल का नेट प्रॉफिट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है और फिर उसमें से पार्टनर्स को जो जो चीज़ें हमें देनी है वो दी जाती हैं और अगर फिर भी प्रॉफिट बचता है तो वो पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सो दिस इज हाउ वी हैव अप्रोच टिल पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी देखते हैं वो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो पार्टनर्स को मिलनी चाहिए या पार्टनर से ले लेनी चाहिए उससे पहले पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की कुछ विशेषताएं हैं है, कुछ फीचर्स हैं उन्हें डिस्कस करते हैं पुट द हेडिंग फीचर्स ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और सबसे पहला फीचर सबसे पहली विशेषता क्या है इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का विस्तार है और उसके बाद में से बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या मिलता है हमें नेट प्रॉफिट और उस नेट प्रॉफिट को हम क्रॉस में ले जाते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में और वहां से फिर हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को कंप्लीट करते हैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अब क्योंकि हमने पार्टनर्स की बात करी इसीलिए सेकेंड पॉइंट आया दैट इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय अ पार्टनरशिप फर्म इसे किसके द्वारा बनाया जाता है एक पार्टनरशिप फर्म के द्वारा बनाया जाता है थर्ड पॉइंट क्या किया जाता है इसमें इट शोज़ द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट या लॉस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड या ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर अप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट क्या होता है ये अभी हम जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे तब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एक्चुअली अप्रोप्रिएशन का मतलब लाभ का समायोजन जो प्रॉफिट है उसे पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इसलिए प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा कम प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में कम डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट नहीं है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा ओके नाउ लेट अस सी द फॉर्मेट ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सो जस्ट पुट द हेडिंग फॉर्मेट ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पी एल अप्रोप्रिएशन इज वॉट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लगभग कुछ इतना बड़ा होगा तो पांच छह आइटम्स हम इसमें लिखेंगे दस लाइनों का कम से कम बनाइएगा इसको सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म ये सारी डिटेल्स ऊपर लिखी जाती हैं चार कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहली बात मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में जब हमारा नेट प्रॉफ़िट आता है इधर तो वहाँ से क्रॉस होके इधर आ जाता है क्या हम लिखते हैं उसको बाय पी एंड एल अकाउंट और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड लिखा जाता है तो P &L appropriation account की शुरुआत ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर और कहाँ से आया है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से खास बात क्या हमेशा हर पार्टनरशिप फर्म को केवल प्रॉफिट होगा नहीं लॉस भी हो सकता है तो अगर नेट प्रॉफिट इधर लिखा है तो नेट लॉस लिखा जाएगा डेबिट साइड में यानी कि या तो ये आएगा या फिर ये आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या लिखने का मतलब क्या है या तो नेट प्रॉफिट आएगा या फिर नेट लॉस आएगा आइदर ऑफ दी टू विल अपीयर बोथ कैन नॉट अपीयर एट द सेम टाइम दोनों नहीं हो सकते या तो हमें प्रॉफिट ही होगा या हमें लॉस ही होगा या हम पास ही होंगे या हम फेल ही होंगे दोनों काम नहीं हो सकते हैं सो बाय पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफ़िट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट अब दूसरी चीज़ें यहाँ पर जो जो चीज़ें हमें पार्टनर्स को देनी है हम उनको लेते जाते हैं पार्टनर के हिस्से में क्या क्या आना चाहिए नोट कर सकते हैं फिक्स्ड चीज़ें हैं जो बार बार हमें देखने को मिलेंगी तो हमारी शुरुआत कहाँ से होगी अधिकतर सवालों की शुरुआत बाय पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफ़िट ट्रांसफर्ड से होगी रेयर केस है अगर लॉस हो गया तो इधर आ जाएगा ठीक है अब आगे शुरू करते हैं पहले डेबिट साइड कंप्लीट करेंगे सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर किसी पार्टनर partner ने पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल दी है तो उसके बदले में उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए इफ़ देर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी तो दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट कैल्कुलेट करके उस अमाउंट को हम यहाँ लिख देंगे अभी हमने पिछली वीडियोज में कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था सो वी नो हाउ टू कैलकुलेट दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके बाद में हो सकता है किसी पार्टनर को सैलरी दी जा रही हो सो टू सैलरीज ए एंड बी कमीशन भी हो सकती है टू कमीशन ए एंड बी और कई बार क्या होता है प्रॉफिट के कुछ हिस्से को रिज़र्व के तौर पर बन रखा जाता है ठीक है तो अगर प्रॉफिट के किसी पोर्शन को रिज़र्व के रख तौर पर रखने के लिए कहा जा रहा है सो टू रिजर्व हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओके okay? इसे नोट कर लीजिए पहले डेबिट साइड में और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें आती हैं पहले वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लो एक बात और जो हमें समझने की है अधिकतर चीज़ें ज़्यादातर चीज़ें उधर डेबिट साइड में होती हैं क्रेडिट साइड में तो केवल और केवल एक ही चीज़ है जो हमें देखने को मिलेगी और वो है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स अगर कोई पार्टनर अपने निजी प्रयोग के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसको ड्रॉइंग्स कहते हैं और उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है दो पार्टनर्स हैं तो दो पार्टनर्स का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख सकते हैं इसे नोट कर लें वीडियो को पॉज करके फिर आगे देखते हैं इसमें क्या करना है टोटल करेंगे दोनों में से जिधर का भी टोटल अधिक आएगा सपोज इधर का टोटल अधिक आता है तो इसमें से इस अमाउंट को हम माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद में अगर इधर अमाउंट आता है तो वी विल राइट टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू क्या लिखा जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल बीस कैपिटल और अगर उनकी कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल वर्ड की जगह क्या आ जाएगा करंट अकाउंट एस करंट अकाउंट या बीस करंट अकाउंट फिर वही बात ज़रूरी नहीं है प्रॉफिट ही हो प्रॉफिट की बजाय क्या हो सकता है लॉस भी हो सकता है तो दोनों में से एक स्थिति होगी या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो लॉस की स्थिति में बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल अकाउंट एंड इफ द कैपिटल आर फिक्सड तो यहाँ पर कैपिटल की जगह करंट अकाउंट वर्ड आ जाएगा और हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो कौन सी रेशो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एंड वॉट इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन अगर पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी है तो हमने पढ़ा था फर्स्ट टॉपिक में कौन सी रेशोएगी इक्वल दो पार्टनर्स हैं तो वन इज टू वन तीन पार्टनर्स हैं तो वन इज टू वन इज टू वन सो ड्रॉ द फॉर्मेट फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं चलिए क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट करते जाएंगे ए इज टू बी इज टू सी थ्री पार्टनर्स दे रखे हैं देर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज थ्री इज टू टू इज टू वन कैपिटल लेकर आए हैं फिफ्टी फोर्टी थर्टी फिफ्टी फोर्टी थर्टी का मतलब है ए की फिफ्टी बी की फोर्टी सी की थर्टी थाउजेंट ए इज टू बी पेडरी ऑफ वन थाउजेंड पर मंथ पर मंथ अगर हर महीने हज़ार तो बारह महीने में बारह से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा बारह हजार तो ए इज टू बी पेड सैलरी ऑफ वन थाउजेंड पर मंथ बी इज टू बी पेडीशन ऑफ फाइव थाउजेंड कई बार ए कमीशन का अमाउंट दिया हो सकता है कई बार कमीशन का परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना पड़ जाता है देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट पर एनम सिक्स परसेंट पर एनम ये हमारी कैपिटल दे रखी है इसका इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करके रख सकते हैं आफ्टर दैट ड्राॅइंग्स दे रखी है हमारी ए बी सी की छः हजार चार हजार दो हज़ार और इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग उसने हमें कैलकुलेट करके दे दिया है दो सौ सत्तर एक सौ अस्सी और नब्बे क्या क्या चीजें हमारे लिए यहाँ पर काम की हैं सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स ड्राॅइंग्स के लिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई जगह नहीं है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स लिखा जाता है और ड्राॅइंग्स हमने कहाँ लिखना सीखा था कैपिटल अकाउंट में ठीक है तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की जरूरत होगी नाउ द नेट प्रॉफिट एज पर दी पी एंड एल अकाउंट पी एंड एल अकाउंट के हिसाब से जो हमारा नेट प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंड इकतीस मार्च दो हजार बीस वॉज रुपीज थर्टी एट थाउजेंड कितना दे रखा है हमारा नेट प्रॉफिट थर्टी एट थाउजेंड अड़तीस हजार नाव वी हैव टू प्रिपेयर दी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए आठ दस लाइनों का पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्रॉ कर लीजिए और हेडिंग डालिए पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ डैश डैश फॉर द ईयर एंडेड इकतीस मार्च दो हजार बीस जल्दी से फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए वीडियो को पॉज करके और पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है क्योंकि नेट प्रॉफिट दे रखा है इस क्वेश्चन में सो बाय पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट अड़तीस हजार यहां से शुरू करो फिर आगे देखते हैं ड्रॉ कर लिया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म का नाम नहीं दे रखा डैश डैश फॉर द ईयर एंड इकतीस मार्च दो हजार बीस पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट शुरुआत हमेशा यहाँ से शुरुआत होगी बाय पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट थर्टी एट थाउजेंड लिख लिया है अब चलते हैं कि इधर क्रेडिट साइड में केवल और केवल एक ही चीज़ आती है उसका नाम क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स ये आपको रट जाना चाहिए इस तरफ क्या आता है केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स उसके अलावा बाकी जितनी चीज़ें हैं जो पार्टनर्स को देनी है वो हमारी डेबिट साइड में आती हैं सबसे पहला नाम हमने अपने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या सीखा था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिक्स परसेंट पर एन एम के हिसाब से निकाल के रखिए कितना कितना आ रहा है ए का थ्री थाउजेंड कैसे निकाला पचास हज़ार हमारी कैपिटल है सिक्स परसेंट तो पचास हज़ार का सिक्स परसेंट हुआ थ्री थाउजेंड चालीस हज़ार का सिक्स परसेंट छः चौक चौबीस दो हज़ार पाँच सौ और छेत दो हज़ार चार सौ और छिया अठारह सौ लिखते हैं यहाँ पर सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी ऐसे करके हम लिख देंगे और तीन हज़ार दो हज़ार चार सौ और 1800 सौ तीनों का हम अमाउंट बाहर लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद में दूसरी चीज़ क्या है सैलरी किसको दे रहे हैं सैलरी ए को सो वी विल राइट टू एज सैलरी क्या लिखा हमने यहाँ पर टू एज सैलरी उसने बताया था हज़ार रुपया पर मंथ तो बारह महीने का कितना हो गया बारह हज़ार ये हमने ट्वेल्व थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर लिख दिया टू एज सैलरी फिर किसी की कमीशन भी थी किसकी थी बी की सो टू बीज कमीशन और फाइव थाउजेंड सैलरी देनी थी कमीशन देनी थी और तो कुछ नहीं था अब इधर था इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स मैंने क्या बोला था यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट साइड में आता है और इसके अलावा और कुछ नहीं आता याद कर लो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स आता है ड्रॉइंग्स नहीं आता जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है कैपिटल नहीं आता कैपिटल कहाँ जाता है कैपिटल अकाउंट में ड्राॅइंग्स कहाँ जाता है कैपिटल अकाउंट में तो so, ये आपको याद रखना है सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसने आपको कैलकुलेट करके दे दिया है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स तीन पार्टनर्स हैं ए की कितनी है दो सौ सत्तर बी की एक सौ अस्सी और सी की नब्बे तो तीनों का हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख दिया जो जो चीजें थी हमने लिख दी अब क्या करना है हमें इस साइड का टोटल करना है हमने किया क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है हमारा टोटल थर्टी एट थाउजेंड में दो सौ सत्तर एक सौ अस्सी और नब्बे को जोड़ा एंड द टोटल कम्स आउट टू बी थ्री एट फाइव फोर जीरो अड़तीस हजार पाँच सौ चालीस थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी आ गया इसी थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी को हमने यहाँ पर लिखा और इस थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी में से हमने ये सारी चीजें माइनस कर दी हमारा अमाउंट आ गया वन फोर थ्री फोर जीरो चौदह हजार तीन सौ चालीस ये क्या है हमारा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसको ट्रांसफर करना है हमने प्रॉफिट ए बी और सी को एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज गिवन इन द क्वेश्चन थ्री टू टू इज टू वन सो थ्री इज टू टू इस हमने इसको चौदह हजार तीन सौ चालीस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया थ्री टू 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 वन का मतलब क्या होता है तीन बटा छः दो बटा छः और एक बटा छः से भाग करा इसको फिर तीन से गुणा करा दो से गुणा करा, करा एक से गुणा करा ये अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया क्लियर है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहाँ से शुरुआत करी थी बाय पी एंड एल अकाउंट से और इधर हमेशा क्या आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन रिजर्व और इधर केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स क्या पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ड्राॅइंग्स आता है नहीं आता है अच्छा हमने यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थ्री इज टू टू इस टू वन ली थी अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी होती तो आप क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लेते व्हाट आर द प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या लेते एस टू बी एस टू सी की और चौदह को डिस्ट्रीब्यूट करते तो तीनों के हिस्से में कितना कितना प्रॉफिट आता कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ ना आज का सवाल ये क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करना है एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं एक्स की कैपिटल पचास हज़ार वाई की कैपिटल साठ हज़ार है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट पर एन एम एक्स इज टू गेट अ सैलरी ऑफ टू थाउजेंड पर मंथ हमेशा इस बात पर ध्यान देना वाई टू गेट अ कमीशन ऑफ रुपीज वन थाउजेंड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एक लाख नेट प्रॉफिट से सवाल शुरू होगा एंड यू हैव टू प्रिपेयर दी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये बनाना है अकाउंट और मेरे को सेंड करना है उसके अलावा 2020 की टीएस ग्रेवाल जी की बुक में पेज नंबर 2.81 पर क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 16 ये तीनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं तो ये चारों क्वेश्चन आपके असाइनमेंट है चार कैसे एक ये और तीन ये क्वेश्चन अगली वीडियो में वी विल डिस्कस फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर पी एंड एल अप्रोप्रेशन अकाउंट कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं पी एंड एल अप्रोप्रेशन अकाउंट के लिए उनको डिस्कस करेंगे ठीक है थैंक यू